हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क का आपका एग्ज़ाम 4 अगस्त 2019 को संपन्न हो चुका है और उसी के संबंध में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है। जिस तरीके से एग्ज़ाम का एनालाइज किया, एग्ज़ाम बिल्कुल नॉर्मल लेवल का था जिससे आपके पिछले विगत वर्षों में आता था। एग्ज़ाम बिल्कुल उसी तरीके का था, आपके दो पार्ट इसमें आए हुए थे, इंग्लिश और दूसरा था आपका सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स वगैरह के सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड थे। तो यहाँ पर आपके 50 और यहाँ भी आपके 50 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो दोनों में यदि ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर यदि बहुत सब्जेक्ट की बात की जाए तो दोनों में आपको जो है कम से कम 40% स्कोर करना अनिवार्य था। तो जो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो इसके बाद क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट होना है और उसमें जो सिलेक्शन होगा वो दोनों में मिलाकर कम से कम आपका 40% स्कोर होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन और पीएच कैंडिडेट की इसमें वैकेंसी थी, उनके लिए आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। यदि यहाँ बात की जाए तो देखिएगा, इंग्लिश थोड़ी सी आप कह सकते हो कि थोड़ी सी कठिन थी और ये भी जो है सामान्य से कठिन की ओर था, तो इतना इजी पेपर नहीं था इसका। लेकिन फिर भी यदि ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए, क्योंकि दोस्तों लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो कट ऑफ थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी पिछली बार की कट ऑफ की मुकाबले, इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगी। तो कितनी रह सकती है चलिए हम आपसे बताते हैं, क्योंकि जनरल ओबीसी, एससी और एसटी को दोनों को एक साथ लिया गया है क्योंकि इनकी वैकेंसीज भी एक ही साथ दी गई थी। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि 352 पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम हुआ है और इसमें जो कैंडिडेट हैं वो लगभग, मैं आपको जानकारी दे दूं कि 30% जो कैंडिडेट हैं वो अनुपस्थित हुए हैं। इन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बावजूद भी। तो जो दोस्त उपस्थित हुए हैं उनके लिए आपकी जो क्या कट ऑफ बनकर आई है चलिए देखते हैं। तो मैं बात करता हूं यदि जनरल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो क्या है इस बार, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट यदि 52+ स्कोर करता है तो ये उनके लिए एक सेफ स्कोर होगा और यहाँ से उनका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए यदि बात की जाए तो देखिएगा, ओबीसी कैंडिडेट के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि 69 पोस्ट हैं ओबीसी की, तो जनरल से ज़्यादा कम आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, यदि आप 50+ स्कोर करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। तो नेगेटिव काटने के बाद जो आपका स्कोर बचा हुआ है ये आपका कम से कम इतना इस कैटेगरी के लिए होना चाहिए। एससी और एसटी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा, आपकी जो कट ऑफ है वो 47+ स्कोर आपका होना चाहिए। बात की जाए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए तो 45+ स्कोर आपका होना चाहिए। तो देखिएगा, पीएच के लिए जो है कट ऑफ इतना इजी नहीं रहेगा क्योंकि केवल एक पोस्ट है इन लोगों के लिए, और जब आप एक पोस्ट समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ जो है लगभग 50+ स्कोर के आसपास ही रहेगी। तो ये कट ऑफ है जनरल ओबीसी, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन और पीएच कैंडिडेट के लिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।